नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बिहार समाचार में तेजस्वी यादव से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई है। तेजस्वी ने फिर से बिहार के लोगों को रोजगार का एक और नया उपहार दे दिया है, जिसके बाद में लाखों युवाओं के लिए रोजगार सुरक्षित। पूरी खबर विस्तार से देखेंगे, उससे पहले हेडलाइंस पर नजर। तेजस्वी ने कहा लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, तो तेजस्वी के समर्थन में युवाओं ने कहा। मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को छोड़ तेजस्वी यादव, लेकर बड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आए हैं। जीतन अम्बाजी ने आपत्तिजनक बयानों पर साफ तौर पर नीतीश कुमार को घेरा। कहा नीतीश कुमार के अंदर संस्कार नाम का चीज नहीं, अपने से बड़ों का भी करते हैं अपमान। बड़ी खबर टीम इंडिया को लेकर के है। टीम इंडिया आज बड़ा इतिहास रच चुकी है और इस इतिहास का इंतजार देश की जनता को लंबे वक्त से था, और इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी। बिहार में छठ पूजा को लेकर के सेलिब्रेशन किया गया, जगह जगह पर छठ पूजा करने वाली तिवैया माता बहनों की अनोखी तस्वीरें सामने आई। अटूट ऐसी तस्वीरें जो कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने वाली थी। इसके साथ बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण में लाने के लिए बिहार के प्रशासन ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान शुरू किया। छठ पूजा के बाद में प्रशासन मुस्तैदी से काम में लग चुका है। मुजफ्फरपुर में रेल दुर्घटना सामने आया। मुजफ्फरपुर में एक रेल दुर्घटना सामने आने के बाद में सभी लोग आश्चर्यचकित। ट्रेन की बोगिया पटरी से उतरने की खबर। किसान नेता राकेश टिकैत के कहने पर, आह्वान पर किसानों ने कहा सरकार बनाएंगे, पर सरकार अगर हमारी बातों को सुनेगी, फितरत को जानेगी, मजबूरियों को समझेगी तो ही। इसके साथ बात करेंगे देश में एलपीजी सिलेंडरों के बढ़ते कीमतों को लेकर के सरकार की नई अपील क्या है। सरकार ने किस तरीके से बताया एलपीजी सिलेंडरों पर कैसे मोहर लगाई जाएगी, कीमतों को कम कैसे किया जाएगा। इसके साथ बात करेंगे जिया शिवराज सिंह चौहान की सत्ता की कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही। चौहान की सत्ता की कुर्सी लंबे वक्त से जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन इस बार यह स्पष्ट हो गया है कि वह मध्य प्रदेश से सत्ता से विदाई लेते नजर आएंगे। चिराग पासवान ने कहा बीजेपी में जब से बीजेपी की प्रशासन गई है, तब से लेकर के आज तक बिहार सिर्फ और सिर्फ बदनामी के हालात पर गया है और बिहार को कुछ नहीं मिला। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आरजेडी समर्थकों ने जगह जगह पर छठ माता से तेजस्वी यादव के बारे में अपील करते, मुख्यमंत्री बनाने की नई कवायद करते नजर आए। बड़ी अनोखी तस्वीरें आई, राजद परिवार से भी अनोखी तस्वीरें आई, जहां राबड़ी देवी और इसके साथ साथ उनके बहू के साथ अनोखी तस्वीरें सामने आई थी। तेजस्वी यादव ने पत्नी के साथ छठ पूजा का महापर्व को भी सेलिब्रेट करते नजर आए। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से जुड़ी कई अन्य बड़े मामलों के बारे में विस्तार से बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किस तरीके से लोगों को जोड़ने का एक बेहतर प्रयास किया। मुकेश सैनी ने कहा कि देश के लोगों के लिए हम सभी लोगों का एक परिवर्तन दिखाई देगा। जिस तरीके से जातीय जनगणना बिहार में कराई गई, इससे कोई संतुष्टि नहीं है और मुझे भी संतुष्टि नहीं है। इसके साथ बड़ी खबर तो इस वक्त सामने आ रही उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। लोकसभा के चुनाव को लेकर के दोनों नेताओं का आमना सामना होने जा रहा है और इन नेताओं ने आमना सामना करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन के बाहों को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रयास किया। कहा देश के लोगों के लिए हम सभी पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे थे, बस इंडिया गठबंधन से सक्रिय होने की जरूरत। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठा क्या हुए कि बीजेपी ने इस पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नजर से कुछ नहीं होता, ये नजर जितना डालेंगे उतना मजबूत होंगे। नीतीश कुमार के निर्णय लिए जाने से आने वाले कल को रोजगार मिलने जा रहा है। बिहार के युवाओं के लिए नीतीश कुमार की रोजगार की व्यवस्था पर लगी फिर से मुहर। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जब बड़ा बयान दिया, सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी की मजबूती देखी गई है पहले भी और बीजेपी ने नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ा दी है, यह कंफर्म है। इसके साथ वंदे भारत एक्सप्रेस हो या बिहार आने वाली तमाम ट्रेनें हो, सभी ट्रेनों में खचाखच भीड़ भरी रही। छठ पूजा के दिन भी श्रद्धालु भक्तों ने जिया ट्रेन से सफर कर लोगों एक दूसरे के साथ पहुंचने की बड़ी कवायद करते नजर आए। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रहा है इस वक्त लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का ये नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं, 6 महीने और सरकार, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा हो सकता है। देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को डेवलप करने की तैयारी में नया रंग सामने निकल करके आया। बिहार में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कवायद तेज, जगह जगह पर अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों के चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने की संपूर्ण कोशिश की जा रही है, जिससे उन्हें अपराध के दृष्टिकोण से रोका जाए। कहीं ना कहीं बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर संपूर्ण शराबबंदी कानून जैसे चीजों को लेकर के बिहार में आज
जी हाँ, श्रद्धालु भक्तों के जुटाने के बावजूद भी जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए गए हैं। इसके साथ ललन कुमार सिंह ने बताया कि किस तरीके से वह खुद को मजबूत कर रहे हैं। ललन कुमार सिंह ने कहा कि 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत होगी और यह बहुत ज़्यादा टफ हुई है। इसके साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से कचरा अभियान को तेज किया गया। बिहार में जगह जगह से कचड़ों का उठाना और उसको लेकर के तमाम प्रकार की खबरों को देना, ये बहुत बड़ी जानकारी थी। बिहार के सोशल मीडिया के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप मामले में एक और नया मोड़ आया है। मनीष कश्यप मामले में नई खबर सामने आई है दोस्तों, और लगातार चीजें सामने आती रह रही है। खैर, अब अपनी राय कॉमेंट में लिखिएगा। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से एक बार फिर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश रोडवेज बसों ने लोगों के जीवन का ख्याल ना करते हुए बसों में खचाखच लोगों को भर करके एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया गया। दोस्तों, बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर से, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं ने 2024 के चुनाव को लेकर के खुद को मजबूत पहले भी कर चुके हैं, आज वह अपने आप को मजबूत करते नजर भी आ रहे हैं। एक के बाद एक उनके लिए गए निर्णय से आने वाले कल को बहुत बड़ी मजबूती हासिल हुई है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना की अपील किए जाने के बाद जब तेजस्वी यादव को असफलता हाथ लगी थी तो तेजस्वी यादव ने संभल गया था, और तेजस्वी यादव संभलते वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से रोजगार दिया जाएगा, और इसको उन्होंने प्रूफ भी किया। हालांकि भले ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हों, पर अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बिहार के युवाओं में कवायद तेज हो गई है। बिहार के युवाओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनाना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव उस लायक हैं, उस समझदारी के लायक हैं, और उन सभी के वजह से उन्हें कहीं ना कहीं बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। तो खैर, अब अपनी राय कॉमेंट में रखिएगा। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी के बाद में छठ पूजा को सेलिब्रेट करने वाले 41 लोगों की गिरफ्तारी आज मुजफ्फरपुर में की गई है। एक चेकिंग अभियान के तहत ऐसे आने वाले तमाम श्रद्धालु भक्त जो अलग अलग राज्यों से इस बार सेलिब्रेट करने छठ पूजा बिहार आए थे, उन लोगों को पकड़ा गया। हालांकि ये लोग ना तो सिर्फ शराब बेचने के आरोपी बने, बल्कि इन्हें शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ बिहार पुलिस ने बाकायदा प्रेस जारी कर इनके बारे में चीजों को बताया। बड़ी खबर सामने आ रही है जीतन रमाझी को लेकर के। बिहार में जीतन रमाझी का क्रेज, जलवा और ताकत किस तरीके से आप अच्छे से जानते हैं। देश में आज तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि देश के लोगों को ध्यान देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिया साफ तौर पर घबरा चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि सही और गलत क्या है। वह लगातार अनर्गल ऐसे बयानों को देते नजर आते हैं जिस बयानों से हमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। वह अपने से बड़ों का अपमान करने के लिए जाने जाते हैं, वह अपनों से बड़ों का भी अपमान करते हैं। मैं उससे सीनियर था, पर उसके बावजूद भी वह हम पर। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को लेकर के बड़ा निर्णय ले लिया है। राहुल गांधी के बड़े निर्णय से साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में वह सचमुच अलग अलग प्रदेशों में मजबूती से आगे बढ़े। 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित तौर पर मानी गई है, जिनमें बात करें तो तेलंगाना है, इसके साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ मिजोरम जैसे राज्य हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से तमाम चीजें सामने निकल करके आई है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी दी, और इस दौरान बिहार के लोगों को छठ पूजा की बधाई देते भी नजर आए। देश के लोगों के सामने नरेंद्र मोदी ने बताया कि बिहार का छठ पूजा न सिर्फ बिहार का रहा, बल्कि ये ग्लोबल हो चुका है। ग्लोबल तौर पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तमाम देश के लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसमें लोगों के जुड़ने की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री ने इसे ग्लोबल तौर पर फेस्टिवल का एक रूप मान लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ी खबर यह है कि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा फिर से खुलने जा रहा है। आज के बाद में कभी भी बिहार की सरकार, जी हां, आपको बता दें कि रोजगार का पिटारा खुल सकती है। दीपावली जैसे महापर्व के दौरान जिस तरीके से लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, नियुक्त किया गया, और उसके साथ लोगों को जी हां रोजगार दिया गया, उसके बाद आज पहली बार जी हां तमाम लोगों के लिए फिर से सरकारें चिंतित हैं। रोजगार के लिए तमाम सरकारों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है, और एक के बाद एक चीजों को लेकर के वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार का ये छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व होता है, इसे जिया जो लोग करते हैं उसका इसका महत्व अच्छे से जानते हैं। इसके साथ हर एक बिहारियों को भी इसका महत्व अच्छे से पता है। इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बिहार के लिए किस तरीके से यह पूजा ना सिर्फ एक पूजा है बल्कि लोगों के अंदर एक ताकत, इमोशन और तमाम चाहते इसके प्रति रहती है। आपको लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर के अपनी बाकायदा बातों को रखा और चीज़ों को समझाने का प्रयास भी किया। बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही, बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप मामले में नया मोड़। एनएसए हटने के बाद में बहुत जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल से बाहर मनीष कश्यप आने के बाद में फिर से वही दहाड़ रहेगा, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। समर्थकों का मानना है कि बिहार की सरकार ने मनीष कश्यप को जेल के सलाखों के पीछे इसलिए डलवा रखा है ताकि वह मामले को रफा दफा कर सकें और मनीष कश्यप जैसे युवाओं को वह खत्म कर सकें। तो अपनी राय कमेंट में। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के लोगों को जो ध्यान आज देना चाहिए वो लोगों ने ध्यान दिया है। एक बड़ी मजबूती के साथ आप सबों के प्यार और मोहब्बत से हमने बहुत सी चीज़ों को हासिल किया, हमें उम्मीद है आप सभी के प्यार और मोहब्बत से चीज़ों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। आपके सपोर्ट और समर्थन से चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ने का एक बेहतर प्रयास और उम्मीदों के साथ नया रंग रंगते नजर आएंगे। जय हिंद।